नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, जन्नत में ये सब कुछ होना तो चाहिए, लेकिन लगता है कि किसी को ये पता ही नहीं कि नजर किसकी लग गई। और एक बार फिर कश्मीर घाटी में स्थिति बद से बदतर की ओर आगे बढ़ रही है। आखिर में कारण क्या है? क्या जिस तरफ हम जाना चाहते हैं उस तरफ हम जा नहीं सकते, या हमारी एक इच्छा है, उस इच्छा पर ग्रहण लगाने की एक बड़ी कोशिश है और वो कोशिश कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे ऐसे लोग लगे हुए हैं, ऐसा देश लगा हुआ है जिसकी पूरी चाहत ही है कि किसी भी कीमत पर कश्मीर की बर्बादी। पिछले 2 साल से अधिक का समय हो गया जब जमहूरियत और कश्मीरियत को पूरी तरीके से घाटी में इस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अक्टूबर का महीना बहुत ही बुरा साबित हुआ है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की हत्याएं अर्थात टारगेट किलिंग, और उसके बाद भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, और मुठभेड़ में जो टारगेट किया गया आतंकी या आतंकिया का उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर में घाटी में पिछले 1 महीने से हो क्या रहा है, और हो वही रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। और इसको खत्म करने के लिए भारत एलओसी पर पूरी तरह से चौकस है, सीमा के अंदर कार्रवाइयां तेज हो रही हैं, एनआईए भी पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन क्या कारण है कि कश्मीर घाटी के इंटरनल पार्ट में हर उस जगह पर टारगेट करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही है जो पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा था, और वहां पर वो मजदूर जो देश के अन्य राज्यों से गए हुए हैं, जो कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं या कश्मीरियत का एक पार्ट बन रहे हैं, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? ये सब हम समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कश्मीर की ही राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले उस नेता से जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माफ करिएगा, वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके नजरिए से ये सब कुछ किसी एक देश की तरफ से प्रायोजित किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि उस प्रायोजित भाग का अगर हम भी एक हिस्सा बन गए और उस टारगेट किलिंग को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए या उसको नकारा साबित नहीं कर पाए, तो ऐसा लगेगा कि आतंकी कार्रवाइयां और ज्यादा आगे बढ़ेंगी और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा कि जिस कश्मीर को 370 और 35A खत्म होने के बाद जमहूरियत और इंसानियत और जन्नत में बदलने की बात केंद्र सरकार कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो सपना है। आज हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर में कारण क्या है और इसका निदान क्या है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवी स्टार न्यूज में डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कारण है कि अक्टूबर का महीना इतना ज्यादा बुरा गया? देखिए, ये पाकिस्तान की जो है डेस्परेशन है, और क्योंकि पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान पूरी दुनिया में फंसा हुआ है, और जो जिसको अपनी कामयाबी वो समझते थे, तो उसको आज पूरी दुनिया कोई भी मुंह नहीं लगा रही है। इवन के जो तालिबान है वो भी नहीं मुंह लगा रहे। और दूसरी तरफ जो है कश्मीर के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में, अमेरिका जब यूरोपियन कंट्रीज तो उसका साथ छोड़ गए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी, वहां पर मुस्लिम कंट्रीज में भी उसके लिए कोई बड़े सपोर्टर कोई रहे नहीं है। एक दो देश है दुनिया में जो जरूर उसका लाइन टो करते हैं, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। और होम फ्रंट के ऊपर आज ये कहा जाता है कि आर्मी के साथ भी जो है इमरान खान के वैसे रिश्ते नहीं है, वहां पर जो है आर्थिक जो दशा है पाकिस्तान की बिल्कुल वो मांग मांग के खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि गधे बेच के, भैंसे बेच के, और यहां तक कि वो जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, और उनके ऊपर भी मतलब है जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके भी अटैक वहां पर हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार रहे हैं,
तो इससे सारे कारण है कि पाकिस्तान आज फ्रस्ट्रेटेड है और कायरों की भांति वो जो है उसने ये काम शुरू किया है। पहले यही पाकिस्तान था जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने उड़ी किया तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उन्होंने जो है पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया तो एयर स्ट्राइक हुआ, फिर जो है उसको बिक्री खानी पड़ी और दुनिया में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान। अभी उसने ये साफ टारगेट ढूंढे हैं और इसको तो मार रहा है जो कि भर्सना योग्य नहीं है, उसके लिए कार्रवाई भी हो रही है, टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं, उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं और ऑल आउट जो है जो एक जो सारा जो कार्रवाई है वो हो रही है। आने वाले वक्त में जल्दी देखेंगे कि काफी चीजें इंप्रूव होंगी, क्योंकि ये छुपा हुआ बार करना और क्योंकि जो है ये जो है कई बार उसमें दुश्मन जो है कामयाब होता है तो वही उसको लगता है कामयाबी कुछ देर के लिए है लेकिन वो जो है हारेगा, डिफीट होगा अपने इस सारे जो है मंसूबों में। डॉक्टर सिंह, मैं समझना चाहता हूं कि जो बिहार से, यूपी से या आप कह सकते हैं कि पूर्वी भारत से या उत्तर भारत से जो लोग वहां जाते हैं कश्मीर में और कश्मीर में के विकास में अपना योगदान देते हैं, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेरे नज़रिए से एक बात समझ में आ रही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये सोचा कि कश्मीरी पंडित अपने होमलैंड पे वापसी कर सकें और उसकी एक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, शायद इसीलिए टारगेट बनाया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित तो दूर की बात, यहाँ तो आम मजदूर भी सुरक्षित नहीं है। डर का माहौल इस कदर कायम करना कि कश्मीर घाटी में सिर्फ और सिर्फ वही रहें जो पाकिस्तान चाहता है, उसके आगे मैं बोलना भी नहीं चाहता, थोड़ा वो सांप्रदायिक हो जाएगा मामला। जी, मैं आपका ध्यान लाऊंगा जो स्टेटमेंट्स आई हैं महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, यहां तक के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट्स हैं और कश्मीरी नेता ये जो हैं जिन्होंने पावर एंजॉय किया है वो उन्होंने 370 और 35 जाने के बाद उन्होंने ये माहौल बनाना शुरू किया है कि कश्मीर की डेमोग्राफी जो है चेंज की जा रही है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को भी, आम लोगों को लगता है कि शायद ये होगा जो डोमिसाइल कानून आया है। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले आम कश्मीरी खुश है बाकी बातों के ऊपर, तो वो कहते हैं कि इन्होंने तीन तीन पीढ़ियां हमें गुमराह किया इन्होंने, और उनको पूछते हैं आप तो कहते थे कि 370 जाने के बाद जो है तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसको खाता देने वाला कोई नहीं होगा, और ये कहा कि नहीं जी उसको हाथ जो लगाएगा तिरंगे अपने इसको जो है जम्मू कश्मीर के फ्लैग को उसके हाथ ही नहीं जलेंगे, उसके जो है जिस्म जल जाएंगे, महबूबा जी ने कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन से मदद से हम 370 लाएंगे, लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उनकी इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत के हिस्सा बने हैं, भारत की जो तरक्की है वो कश्मीर में होगी, इस प्रकार की बात जो है ये कश्मीर आम कश्मीरी बोल रहा है, जो टेररिस्ट नहीं है, जो लगाववादी नहीं है वो बोल रहा है। इसको जो है उन्होंने देखा कि आप अपनी पैठ कैसे बनाए, वो है कि नहीं जी आपका डेमोग्राफिक चेंज होगा तो ये बिहार से बेचारा जो गोलगप्पे वाला आया है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो उनको गोलगप्पे खिलाता है उसको मारो, तो दूसरा कोई और है तो कारपेंटर को मारो, और यहाँ तक के मतलब है इस प्रकार की जो माहौल क्रिएट करने के लिए कि हम जो है यहाँ की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको हम जो है रोकना चाहते हैं, इस प्रकार की बात जो है जो हमारे नेता कहते हैं और उसके कारण जो पाकिस्तान जो है उसके उसी बात के ऊपर आके इस प्रकार की स्ट्रेटजी बदली है जिसके कारण यह सारा हुआ है। तो मैं इसके लिए पाकिस्तान, यहाँ के स्थानीय नेता जिस प्रकार का जो है झूठ फैला रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं उनको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। नहीं तो सवाल तो ये है डॉक्टर सिंह, सवाल तो ये है कि वो इतना झूठ फैला रहे हैं और आप लोग फैलाने दे रहे हैं, ऐसा कैसे? फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या गुपकार गैंग का, मैं तो गैंग शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ये क्यों प्रभावी हो रहे हैं सर? लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमने इनको रिहा किया है, अब रिहा करने के बाद अब ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की तो चादी हो रही है, तो हम जिस स्थिति को कंट्रोल कर पाए थे उसी को तबाह कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? इसके लिए तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे भले ही हमारी जितनी आलोचना हो। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे वो स्टेप्स होंगे, आपने देखा होगा कि 1000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर ये अपने बाज नहीं आए तो। देखिए पहले आपने देखा क्योंकि जैसे लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो
जम्मू कश्मीर में भी लोकतंत्र हो और जल्दी इलेक्शंस हो, इसका एक प्रोसेस था। आपने देखा होगा पहले पंचायतों के इलेक्शंस करवाए, पीसफुल हुए, पीडीसी के करवाए, पीसफुल हुए, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के हो गए बिल्कुल शांति प्रिय हो गए, और बातचीत तादाद में लोगों ने वोट डाले, कश्मीरी मुसलमानों ने भी वोट डाले हैं, और अगली स्टेज थी असेंबली के इलेक्शन हो, उसके लिए इनको इन्वॉल्व करना जो था, क्योंकि ये पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ही ये प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन इसका जो ना मिसयूज करने की जो कोशिश कर रहे, और इसके विपरीत जो है पाकिस्तान भी जो है अपने आप को जो महसूस, जो डिफीटेड महसूस कर रहा था, हारा हुआ महसूस कर रहा था, वो जो कहते थे कश्मीरी विद्रोह करेंगे वो नहीं हुआ, तो पाकिस्तान और ऐसे नेता जो जिन्होंने अपनी साख खो दी है कश्मीरी में, उनका कश्मीरियों में उनका कोई साख नहीं रही है, उसको रिगेन करने के लिए ये जो भारी मजदूरों को मारते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए जो सारा हम बोल रहे हैं और पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये सारा है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा हुआ होगा कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया, एक सिख महिला जो हमारी प्रिंसिपल थी उनको मारा गया स्कूल में, जो कश्मीरी मुसलमानों को बच्चों को जो ऑर्फिन्स थे उनको जो किताबें देती थी, जो यूनिफॉर्म्स देती थी, उसको भी मारा गया। यहां तक के जावेद दार जैसा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुलगाम में मारा गया, और इससे ही गुलाम सूर डार को मारा गया, उसके पहले और भी, तो ये किसी को नहीं छोड़ रहे, ये पैंतरे बदलते हैं, स्ट्रेटजी बदलते हैं। वो तो ठीक है, मैं फिर सवाल करूंगा, ये तो बेबसी है ना। अगर पाकिस्तान जो हारा हुआ था, जो बिल्कुल बदहवास होकर के बयान जिसके नेता दिया करते थे कश्मीर को लेकर के, आज अगर वही पाकिस्तान ये सब कुछ कराने में सफल हो रहा है, तब तो स्थिति और एक दो महीने में और खराब कर देगा वो। हमें करना क्या चाहिए? आतंकी तो हम मार रहे हैं, हमें अपने सेना पे गर्व है, हम मारेंगे, वो तो हम करेंगे ही। सवाल तो ये है कि जो कश्मीर हमारे भूभाग का एक हिस्सा है, उसको लेने की आप लोग बातें कर रहे हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहूंगा ये प्रॉक्सी वार है, और कई बार दुश्मन जो है वो ऐसा लगता है कि कामयाब हो रहा है, और जिस प्रकार का ये माहौल बना है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले एक महीने में 19 टेररिस्ट मारे गए और आए दिन मारे जाते हैं, और 1000 से ज्यादा लोग जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया है, उनसे सूचना निकाली जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो टेररिस्ट थे, गिलानी के पोते को नौकरी से निकाला गया, ऐसे कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एनआईए अपना काम कर रही है, हमारी सेना बॉर्डर के ऊपर उनकी जो घुसपैठ है उसको रोक रही है और उसको मार रही है वहां के, अगर घुसपैठ की कोशिश होती है तो, ये सारी स्ट्रेटजी है। और आपने देखा होगा कि हमारी पुलिस और बाकी, क्योंकि ये आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये कौन लोग है, क्योंकि टेररिस्ट होता है कि जो घर में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है, उसके हाथ में बंदूक है, वो सीआईडी की डायरी पर उसका नाम है, लेकिन ये वो लोग जो मारने के लिए उनको जो है प्रयोग में ला रहे हैं, जो कि आम लोग हैं कश्मीर के, लालच दे के उनको जिहाद पढ़ा के उनको कहते हैं आप अपने महल्ले में रहिए, जब आपको डायरी आएगी तो आप फलान आदमी को मारना है, तो इस प्रकार का बात करेंगे, उसको पिस्टल देता है, हथियार देता है, जाके पिस्टल लेके किसी को गरीब आदमी को मार देता है, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रोकने के लिए। सरकार ने भी, यहाँ की सुरक्षा बलों में भी ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है, एक तो बदली है कि मजदूर लोग हैं इनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको एडवाइजरी भी इन्होंने इशू की है, और उसके बाद साथ साथ ये जो लोग हैं उनके जो सिंपथाइजर हैं उनको पकड़ते हुए, उनके द्वारा सूचना निकालते हुए इनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, ये भी चल रहा है। तो ये टेम्परेरली मैं कहूंगा कि लगता है कि वो कामयाब होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान 72 साल कामयाब नहीं हुआ, उसको जो है 1971 में जो है 93,000 फौजियों को उनको अपना हथियार डालने पड़े, बांग्लादेश टूट गया, और भारत भी जो काउंटर कल को बलोचिस्तान उसमें विद्रोह होगा, पीओजेके में विद्रोह होगा, हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, सिंध में हो रहा है, तो हम भी काउंटर जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी चल रही है, और इनको कम्बैट करने के लिए भी सारा चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत हो जाइए, ये टेम्पररी उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे भी जाएंगे, और उनको जो है विफल किया जाएगा, हराया जाएगा इस जंग में।
आपसे एक बात समझना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कुछ मजदूरों से क्या चेंज हो सकता है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है। भ्रम किस लिए फैला रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को वो कहना चाहता है कि क्योंकि 370 जाने के बाद, 35A जाने के बाद पूरा भारत आके यहाँ बस जाएगा, और जो वो बेचारे गोलगप्पे वाला है जो कुछ महीनों के लिए आया है, गोलगप्पे बेचता है, अपने बच्चे पालता है, जिसके रोजी रोटी के लिए भी वो दिहाड़ी नहीं कमा सकता, तो वो कहाँ आके जहां जमीन खरीदेगा? तो उनको भाई ऐसे ही लोग हैं यहाँ, क्योंकि अपना घर कौन छोड़ता है? मेरा सवाल, इसलिए भ्रम फैलाते हुए उनको जो कश्मीरियों में सपोर्ट लेने के लिए, कश्मीरियों में जो खड़े हो जाए पे, नहीं हाथ, ये जो नेता है यहाँ के, जो कश्मीरी नेता है, वो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान सही कह रहा है, वो ये कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, जो कि उनका पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस शटर हो गया था, लोगों ने, यहाँ के लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया था, आज भी उन पर विश्वास नहीं है, उसको रीगेन करने के लिए ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, आपने कहा ना कि वो जो बिल्कुल खत्म हो गया था उसके आगे आप रुक गए। वास्तव में फिर से अगर कश्मीरियों के दिमाग में ये बात आ गई कि पाकिस्तान सब कुछ वैसा ही कर सकता है जैसा वो चाह रहा है, तो फिर तो आपकी 2 साल से ज्यादा की मेहनत खराब हो जाएगी ना। तो हमें बहुत जी, मैं पूरा सवाल कर लूं, हमें उस कदर आक्रामक होने की जरूरत है कि पाकिस्तान हमारे एरिया में जाकर के अपने स्लीपर सेल्स को प्रभावी कर दे रहा है, और ये मानने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि कश्मीर में आज भी देश विरोधी तत्व बैठे हैं। वो किस रूप में बैठे हैं वो किसी से छिपा नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी से आगे बढ़कर जो पाकिस्तान हमारे एरिया को लेकर के बैठा है, हम वहां के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर उसको वो बचाने में आए, ये तो अब समझने का और सोचने का ये वक्त है। हाँ बिल्कुल, वो भी समय आ सकता है। ये तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सेना, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स तय करेंगे। जब हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया तो उन्होंने डिसाइड किया भारत आज तक कमजोर नहीं है क्या पाकिस्तान उसको हरा सके, जो है 4-4 जंगे लड़के वो नहीं हरा सका, और उसके बाद प्रॉक्सी बार जो है 30 साल हो गए लड़ते हुए, वो नहीं होगा, तो उसने स्ट्रेटजी बदली है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, और ये देश घबराएगा भी नहीं, क्योंकि अपना जो सिरमौर है उसको तो खत्म हो सकते ही नहीं, खत्म होने ही नहीं देंगे। सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रतिक्रिया राज्यों से आई, क्योंकि 4 बिहारी मजदूर मारे गए, 1 उत्तर प्रदेश से मारा गया, 2 अल्पसंख्यक समुदाय सिख समुदाय के टीचर्स की किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, तो इन सारे मामलों को अगर आप देखें तो अब भारत में, पूरे भारत में जो एक कॉन्फिडेंस की स्थिति थी कि अब कश्मीर में पाकिस्तान पस्त हो गया, वो पाकिस्तान अपने षड्यंत्र में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय तो हमें आक्रामक होने की जरूरत है, आतंकी तो हम मारेंगे ही, जो ऑपरेशन ऑल आउट का एक और बृहद स्वरूप हो सकता है वो तो हम चलाएं ही। हम कह रहे हैं कि LOC पे ये शांति क्यों? सीधी बात, सीधा सवाल। देखिए, ये जो लग रहा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि उसने स्ट्रेटजी बदली है दुश्मन ने, और कामयाब होता कुछ देर के लिए लगता है, लेकिन जल्दी देखेंगे कि उसको जो है उसको हराया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो POJ के जो हमारा है, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हम पाकिस्तान में जाके कर सकते हैं, तो POJ के जो है उसको हमने लेना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? उसको हमने मिलिटरली करना है या डिप्लोमेटिकली करना है? वो सारी इन टोटैलिटी उसके ऊपर विचार हो रहा है, हुआ है, ये तो समय बताएगा, टाइम और जो है कब करना है, कौन से वक्त को करना है, ये तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और हमारी केंद्र सरकार करेगी, ये आप निश्चित रहें जी। लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए, डॉक्टर सिंह, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तारीख को किसकी हत्या की गई, कितनी बेरहमी से हत्या की गई। पूरे बिहार में शोक और मातम का माहौल है, क्योंकि कश्मीर में जाकर के अगर बिहारी मजदूर मारा जाता है तो उसे भी लगेगा कि पाकिस्तान तो सफल हो रहा है, यूपी का कोई मारा जा रहा है वो सफल हो रहा है। इस पर राजनीति भी हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान भी दिया है। ये सारी बातें, राजनीति अपनी जगह है। हम तो यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि देखिए, घाटी में जो स्थिति हमने
दो साल से अधिक समय में बनाई थी, कुछ एक डेढ़ महीनों के दौरान वो सारी बातें हो रही हैं, वो सारे वारदात को अंजाम देने में आतंकी सफल हो रहे हैं जैसा वो पहले किया करते थे। अगर इस पर तत्काल एक बड़ी कार्रवाई न हुई तो फिर मामला बिगड़ता चला जाएगा। कार्रवाई होगी, मैं आपकी आपसे बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा मैसेज जा रहा है और यहां पर पैनिक जैसी स्थिति भी जो हो रही है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी सुरक्षा बलों ने जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो तय किया है कि इनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए ताकि जो सॉफ्ट टारगेट है उसको बचाया जाए, जहां सुरक्षा देनी उसको मुहैया की जा रही है और इसके टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसी प्रकार से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनसे जो है सूचना निकाली जा रही है, जो उनके सिंपथाइजर सरकारी मुलाजिम है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये कुल कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटजी है उसके तहत सारी बातें हो रही है। और जो टेम्परेरली पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो पिट्ठू है कायर जो टेररिस्ट है जो लग रहा है वो शायद कामयाब हो रहे हैं, आप जल्दी देखेंगे कि वो जो है हारते हुए भागते हुए मरते हुए नजर आएंगे, ये स्पष्ट है। ये महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो बदजुबानी होते हैं, जो उनके बयान, जो कि बयान मानना भी नहीं चाहिए, हम तो मानते भी नहीं, ये सिर्फ वो शोशा छोड़ते हैं या वो इसकी बदौलत कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो संदर्भहीन और प्रसंगहीन तो हो ही चुके हैं, लेकिन अपनी ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान का सहारा उनको लेना ही पड़ता है, इसीलिए पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं और फिर भी वो हमारे लोकतंत्र के हिस्सेदार बताए जाते हैं। बिल्कुल, स्थिति है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर और भारत में, और भारत एक लोकतंत्र है जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसमें उसको इस प्रकार की जो है उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, इस प्रकार की पूरा स्कोप रहता है, लेकिन सख्ती से अगर निपटने की जरूरत पड़ेगी, जब भी जैसे पहले भी निपटा गया है, इसे सख्ती से भी निपटा जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो जेलों में भी डाला जाएगा, और जिन पर जो है देशद्रोह की अगर लगता है देशद्रोह की बातें हो रही है तो वो भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये आज की केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और हमारे अमित भाई शाह हमारे गृह मंत्री हैं, वो कभी भी इस प्रकार की बात को काम जो है हम जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये पूरे देश पर विश्वास है भी तो होना भी चाहिए। डॉक्टर सिंह, क्या आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में जो सफलता हासिल कर सका है पाकिस्तान, अब उसका मनोबल काफी बढ़ गया है, आपको नहीं लगता? देखिए, अफगानिस्तान में जो उसको सफलता है, वो सफलता जो है सीधा पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान तो कहता ना कि पांचवा सवार है, वो सिर्फ उसने उसने जो है सिचुएशन को ग्रैब किया है, क्योंकि पूरी दुनिया तालिबान सरकार के साथ नहीं है, पाकिस्तान कहा पे हम आपके साथ है, तो वो सिंपैथी लेना चाहता है, लेकिन ये पक्का है कि जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो जिहादी टेररिस्ट हैं, उसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है, वो इम्बोल्डन हुए हैं, उनमें इस प्रकार का विश्वास जगा है कि हाँ, अगर हम अफगानिस्तान में कामयाब हो सकते हैं तो हम कहीं भी हो सकते हैं, और कश्मीर में इस प्रकार की बात है, इस प्रकार का जो एक दया, जो एक जो उनका झूठा जो फॉल्स कॉन्शियसनेस जिसको मैं कहूंगा, वो यहाँ के टेररिस्ट में, यहाँ के कुछ नेताओं में आई है, वो जरूर हुआ है, लेकिन आप जल्दी देखेंगे कि उसको भी जो है हराया जाएगा, वो भी विफल रहेगी सोच, और लोग जो है अपनी जो जो सोच रहे हैं वो अपनी सोच से जो है उनको लगेगा कि हम गलत सोच रहे हैं, ये स्पष्ट है। अब आर पार ये समय आ गया है, कब हम सोचेंगे? देखिये, ये हम अपनी सेना पर, केंद्र सरकार के ऊपर, डिफेंस एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दें, भारत सशक्त है, हमारी सेनाएं जो है इतनी बहादुर है कि अगर 1,00,000 के लगभग पाकिस्तानी को धूल चटा सकते हैं 1971 में, तब तो हम इतने जो 65 नया नया लड़ा था और हम जो है बड़े कमजोर थे, आज तो भारत जो है 21वीं सदी का भारत है, यह भारत जो है नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, यह भारत है जिसके परमाणु शक्ति संपन्न भारत है, और जिस प्रकार की शक्ति जो है पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो हर पार की भी जब जरूरत पड़ेगी वो जो है ये जो है किया जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है, लेकिन ये हम जो है स्ट्रेटेजिस्ट है उन पर छोड़े, इस प्रकार का मेरा निवेदन है। डॉक्टर सिंह, आपने एवी स्टार न्यूज के साथ तमाम मुद्दों पर और कश्मीर में जो नई समस्या पैदा हुई है
और विश्वास बहाली में जो संकट पैदा करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, उसको किस तरीके से नाकामयाब बनाएंगे, इसके बारे में बताया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरा भरोसा दिलाया, विश्वास जताया कि एक बार फिर पाकिस्तान को भारत पटकनी देगा और जम्मू कश्मीर में पूरे देश से लोग जाएंगे और वो सभी मिलकर जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को इस्टेब्लिश करेंगे और घाटी एक बार फिर जन्नत बनेगी। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।